धार जिले के कुची थाना अंतर्गत निसरपुर चौकी के ग्राम कडमाल के नाले से विगत दिनों कृषि संचालित पानी की 3 मोटर चोरी की रिपोर्ट युवक द्वारा दर्ज कराई गई थी। इस संबंध में मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से चोरी की मोटर भी बरामद की गई। धार जिले के कुची थाना अंतर्गत निसरपुर चौकी के ग्राम कडमाल के नाले से पिछले दिनों कृषि संचालित पानी की 3 मोटर चोरी होने की रिपोर्ट रमेश पिता बावल्या और लवकुश पिता तीर सिंह ने दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप के निर्देशन में चोरी की रोकथाम के लिए SDOP कुची थाना प्रभारी दिनेश चौहान के मार्गदर्शन में मुखबिर की सूचना पर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के बाद गिरफ्तार अभियुक्तों ने विद्युत मोटर चोरी की घटनाओं को कबूला है। इन 4 आरोपियों से 3 पानी की मोटर जब्त कर आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें, गिरफ्तार अभियुक्तों में प्रदीप पिता रासूल सिंह निवासी किकरवास, दिलीप पिता प्रताप निवासी मलवाड़ी बसाहट, संजय पिता सुभाष निवासी कडमाल और मोटर खरीदने वाले आरोपी मुस्कीम निवासी नर्मदा नगर शामिल है। निसरपुर चौकी क्षेत्र में मोटर चोरी की वारदातें हुई थी, जिस पर से फरियादी रमेश और फरियादी लवकुश निवासी कडमाल की रिपोर्ट पर 24/10/2021 को उन्होंने सूचना दी थी पुलिस को, उनके खेत पर लगी पानी की विद्युत मोटर 3 हॉर्स पावर और 5 हॉर्स पावर की 3 विद्युत मोटर चोरी गई थी, जिस पर से उनकी रिपोर्ट पर से अपराध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया था। दौरान विवेचना आरोपी दिलीप, आरोपी प्रदीप एवं आरोपी संजय व मोटर खरीदने वाला मुस्तकीम को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों से 3 मोटर बरामद कर ली गई है व अन्य चोरी के संबंध में आरोपियों से पुनः पूछताछ की जाएगी व आरोपियों से पुलिस रिमांड लिया जा रहा है।